तेलंगाना में कितना अच्छा काम चल रहा माइनॉरिटीज के लिए। आजकल आप देख रहे कर्नाटका में बीजेपी वाले क्या कर रहे, दिल्ली में क्या हुआ। वो लोग बात करते हैं 80-20, मैं भी बात करता हूँ 80-20। क्या 80-20 है? आज इंडिया में 80% लोग गरीब लोग हैं, 20% अमीर लोग हैं। सरकार किसका सेवा करना, 80 का सेवा करना चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनका सेवा करो। लेकिन ये लोग कुछ और बात करना चाहते हैं। जो देखो सरकार का हुकूमत का क्या काम होना है, हुकूमत गरीब लोगों के काम करना। वो हिंदू होने दो, सिख होने दो, मुसलमान होने दो, जो भी होने दो, जो गरीब है वही अपना रिश्तेदार बनना चाहिए। जो गरीब है उनका हम सेवा करना हमारा वक्त पर पड़ता है। सो भाइयों एक ही काम करेंगे। आप देखिए सीएम साहब आने के बाद इतने माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खोल के बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा रहे, उसका असर अभी आपको नहीं दिखता, एक 3-4 साल के बाद दिखता। अभी बच्चे इंटरमीडिएट खत्म करके अब इंजीनियरिंग में डॉक्टर में शुरू ज्वाइन होना शुरू हो गया। आगे 4-5 साल में आप ही देखते हैं मेदक से कितने डॉक्टर बनते, कितने इंजीनियर बनते, कितने बड़े बड़े ऑफिसर्स बनते हैं। अभी उसका जो फल मिलना है, अभी 3-4 साल में उसका फल मिलना शुरू होता है। सीएम साहब ने 7-8 साल पहले शुरू करे। परसों इंडिया में एक रिपोर्ट आया माइनॉरिटीज गर्ल्स का सबसे अच्छा पढ़ाई कहाँ हो रहा बोले तो वो तेलंगाना में हो रहा बोलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक रिपोर्ट आया। शादी मुबारक का स्कीम भी बहुत अच्छा फायदा हो रहा है गरीब लोगों का। शादियों के लिए जितने भी दरखास्त आए हर दरखास्त को गवर्नमेंट ने सैंक्शन करके शादी मुबारक में पैसे दे रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना, शादी मुबारक की मदद करना और तेलंगाना में अच्छा मिलजुल के रह रहे अपन। आप एक बार सोचिए जब कांग्रेस की हुकूमत थे रमजान महीने आए तो अपन क्या करते थे। मैं भी एमएलए था, करंट वाले को बुलाओ, म्युनिसिपैलिटी वाले को बुलाओ, अरे देखो भाई जरा नमाज के टाइम में करंट मत निकालो। हमारे लोग 5 बजे उठ के तैयारी करते, सुबह जरा करंट दो, पानी अच्छा दो, ये बोलना पड़ता था। आज ऐसा हाल है तेलंगाना में, करंट के बारे में कोई बात नहीं करता, पानी के बारे में भी कोई बात नहीं करता। जो 70 साल में कांग्रेस तेलुगुदेशम जो काम नहीं कर सका, 7 साल में सीएम केसीआर साहब ने करके दिखाया। वो आप जानते हैं बिजली का पानी का कुछ तकलीफ नहीं है। मेदक कितना अच्छा रोड बना, मेदक जिला बन गया।